रॉयल एनफील्ड की छुट्टी करने होंडा ला रही है देश की सबसे सस्ती नई स्टाइलिश क्रूजर बाइक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बाजार में क्रूजर बाइक्स के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और अब होंडा बेहद ही कम समय में होंडा रेबेल 1100 को लॉन्च कर देगी। अगर आप भी होंडा की आने वाली नई क्रूजर बाइक होंडा रेबेल 1100 के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही हमारे चैनल एनजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करें अपकमिंग बाइक्स होंडा रेबेल 1100 की तो ये बाइक रेबेल 500 से काफी पावरफुल बाइक साबित होगी। बाकी स्टाइल और डिजाइन रेबेल 500 जैसा ही होने वाला है। इंजन की बात करें तो अपकमिंग होंडा रेबेल 1100 क्रूजर बाइक में 1100 सीसी का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन दिया जाएगा जो कि फ्लैगशिप बाइक CRF 1100L अफ्रीका ट्विन में दिया गया है। ये इंजन 7500 आरपीएम पर 102 bhp की पावर और 6250 आरपीएम पर 105 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। फीचर्स की बात करें तो अपकमिंग होंडा रेबेल 1100 क्रूजर बाइक में कंपनी शानदार हेडलाइट्स के साथ ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और राइडिंग मोड जैसे कई सारे शानदार फीचर्स को जोड़ा जाएगा। नई क्रूजर बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स और रियर में ट्विन शॉक यूनिट सस्पेंशन दिया गया है। डिजाइन की बात करें तो होंडा रेबेल 1100 क्रूजर बाइक का लुक काफी हद तक रेबेल 500 बाइक से मिलता जुलता है। बाइक में आपको स्टाइलिश राउंड हेडलैम्प्स, राउंड मिरर्स, टीयर ड्रॉप शेप फ्यूल टैंक और ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। साथ ही इस क्रूजर बाइक में फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, वहीं बाइक में सभी लाइटिंग LED है। रही बात लॉन्च डेट की तो होंडा रेबेल 1100 क्रूजर बाइक को कंपनी अगले साल के शुरुआती महीनों में लॉन्च कर सकती है। खैर बात करें कीमत की तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, पर इसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। हमें खुशी है कि आपको होंडा की आने वाली नई बाइक रेबेल 1100 क्रूजर बाइक के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।